स्वागत है आप सभी का जी न्यूज इंडिया में। इस वक्त की खबर राजस्थान के भरतपुर से है, जहां पर भरतपुर डीएम ने सभी अधिकारियों की ली मीटिंग, वैक्सीनेशन महाअभियान को लेकर और सभी को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। आइए देखते हैं खबर विस्तार से। भरतपुर जिले के बयाना में आज कोरोना वैक्सीनेशन का महाअभियान शिविर लगाया गया, जिसमें सभी विभागों द्वारा लोगों को वैक्सीनेशन के लिए जागरूक किया गया। शिविर में जिला कलेक्टर ने पहुंचकर सभी लोगों से अपील कि तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। इसीलिए जिन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं कराया है, उन्हें वैक्सीनेशन कराना अनिवार्य है, क्योंकि तीसरी लहर से तभी लड़ा जा सकता है जब पूरी तरह से लोग वैक्सीनेटेड होंगे। बयाना कस्बे के बांगड़ फील्ड पर मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें सभी विभागों के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए कि घर घर जाकर लोगों को वैक्सीनेशन के लिए जागरूक करना है। शिविर आयोजन के दौरान जिला कलेक्टर के साथ उपखंड अधिकारी और पंचायत समिति विकास अधिकारी सहित अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। देखिए, मैं आपके माध्यम से भी हमारे जो बयाना वासी हैं, इनफैक्ट पूरे भरतपुर वासियों से निवेदन करना चाहूँगा कि कोविड वैक्सीनेशन का हम महाअभियान हमने एक पहले लगाया था मेवात में, अब हम बयाना रूबास में लगा रहे हैं। बयाना रूबास उच्च ये है कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध है। कोविशील्ड, कोवैक्सीन, आप जो दवा कहें वो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में, जितने लोगों को लगानी है उतनी मात्रा में हमारे पास उपलब्ध है। कम पड़े हम जयपुर से जब चाहें जितनी मर्जी बुला सकते हैं। और थर्ड वेव खुदा ना खासा आ जाए और हमारे पास पर्याप्त वैक्सीन भी हो और हमारे जो नागरिक हैं वो वैक्सीन नहीं लगवाने के कारण या अभाव के कारण कोई सीरियसली बीमार हो या खुदा ना खासा डेथ हो, तो फिर जिम्मेवारी मानवीय दृष्टि से हमारी बनती है, प्रशासनिक दृष्टि से हमारी बनती है और उस व्यक्ति की भी बनती है जिसने वैक्सीनेशन टाइम पे नहीं लगाई। तो आप सबको ध्यान है कि कोविड के केसेस एकदम बढ़ते हैं, जैसे एक्सप्लोजन होता है, इस तरह से केसेस एकदम बढ़ते हैं और फिर धीरे धीरे हर्ड इम्यूनिटी आते आते वो कोविड के केसेस कम होते हैं, जो आपने सेकेंड वेव में लगभग 1.5 महीना लग जाता है केसेस को डाउन होते हुए। तो मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि जैसे हमने मेवात में, मेवात मतलब कामा पहाड़ी और नगर, उसमें आप सभी के ही भाई बंधु थे या कुछ लोग आप में से भी होंगे CHS, हो सकता है उन्होंने वहाँ पे भी ड्यूटी दी हो, तो नहीं थी क्योंकि नई बीमारी थी, किसी को ध्यान नहीं था कि वैक्सीनेशन किस प्रकार के कैसे बनाई जाती है। सेकेंड वेव जो आई इस वर्ष, उसमें कोविड से तो एक साल में हमें पता चल गया कि अगर नज़ला, जुकाम, खांसी या हल्का बुखार, ऐसे लक्षण अगर किसी व्यक्ति को लगते हैं तो तुरंत उसको कोविड टेस्ट कराना चाहिए, आप सबको ध्यान है। और कोविड में यदि पॉजिटिव आते हैं तो हमें उसका रेमेडियल मेजर्स, दवा या ऑक्सीजन या जो भी हमें पल्स ऑक्सीमीटर के माध्यम से, वो हमें सेकेंड वेव में पता चल गया था। पर सेकेंड वेव में भी